हाय, मैं हूँ आफरीन राहत और आज मैं करने वाली हूँ व्हाट्स इन माय बैग सेगमेंट विद नव भारत। तो चलिए मैं आज आपको दिखाती हूँ कि मेरे बैग में क्या क्या है। पहली बात तो ये बैग से ज़्यादा मुझे एक डोरेमोन की पॉकेट लगती है जिसमें सारा ज़रूरत का सामान मिल जाएगा आपको। तो ओके, सबसे पहले फ़ोन। सो आई हैव टू फोन्स, वन आईफोन एंड वन इज वन प्लस। तो दो फोन्स, माई सन ग्लासेस। सो आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ सन ग्लासेस। तो मेरे पास बहुत बड़ी कलेक्शन है सन ग्लासेस की, बट दिस वन इज़ माई फेवरेट। ऑल्सो दिस वन वॉज गिफ्टेड। सो या, माई वॉलेट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो जिसमें मैं अपने सारे कैश और कार्ड्स रखती हूँ। तो या, वेरी इंपॉर्टेंट कॉल। अनदर वॉलेट जिसमें मैं सारा चेंज रखती हूँ अपना। तो क्योंकि इतने बड़े वॉलेट से चेंज निकालना इज़ नॉट ईजी, तो मैं अलग से रख लेती हूँ, क्योंकि कभी कभी आपको सिर्फ चेंज की ही ज़रूरत होती है। तो या, आई हैव दिस वन। और इसके पीछे काफ़ी फनी स्टोरी है जो मैं आपको कभी और बताऊँगी बाद में। सो या, आई ऑलवेज कीप दिस विद मी, वेरी स्पेशल। परफ्यूम, बिकॉज वेरी इम्पॉर्टेंट, एंड ऑल्सो आई लव फ्रेग्रेंसेस। परफ्यूम, ओके, पॉडियमिस्ट। तो आई लव दिस वन एज वेल, एंड दिस इज़ फ्रॉम विक्टोरिया सीक्रेट, और दिस इज़ रियली रियली अमेजिंग। सो वन ऑफ माई फेवरेट पॉडियमिस्ट। ओके, नाउ समथिंग वेरी वेरी स्पेशल एंड क्लोज टू माई हार्ट। तो मैं पहले इसका एड्रेस छुपा देती हूँ, और इट हैज़ माई नेम रिटन ऑन इट। तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि इसमें मुझे अपने फर्स्ट शो का साइनिंग अमाउंट मिला था। इसमें उन्होंने चेक रख के दिया था मुझे, एंड दिस इज़ वेरी स्पेशल फॉर मी। और ये मैं हमेशा अपने पास रखती हूँ, अपने बैग में। इवन इफ आई चेंज माई बैग, तो ये हमेशा मेरे पास होता है। वेरी स्पेशल। अनदर फोन जिसकी हालत बहुत बुरी है, जो कि मुझे भी नहीं पता कि कब हुआ ये, बट पड़ा है पता नहीं कब का। ओके, माई लॉ आईडी कार्ड। तो जिन लोगों को नहीं पता, मैं एक्ट्रेस होने के साथ साथ लॉयर भी हूँ। सो या, हियर्स द प्रूफ, मेरा आईडी कार्ड है। अनदर थिंग, बहुत बहुत ज़्यादा स्पेशल, माय सिंटा आईडी कार्ड, जो कि अभी तक मुझे यकीन नहीं होता दैट आई एम अ सिंटा कार्ड होल्डर। इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। मतलब मैंने सोचा ही नहीं था कि इतने कम टाइम में, मतलब इतनी कम एज में आई एम गोना गेट दिस। तो वेरी वेरी स्पेशल फॉर मी, माई सिंटा आर्टिस्ट कार्ड। सम मेडिसिंस, ओके, पेपर स्प्रे, क्योंकि आई थिंक हर लड़की के पास होना बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। तो पेपर स्प्रे, इसके बिना तो मेरे घर वाले मुझे शायद बाहर ही नहीं जाने देंगे। तो या, पेपर स्प्रे। सैनिटाइजर, अगेन वेरी इम्पोर्टेंट। तो या, सैनिटाइजर। माय एयरपॉड्स, माय लिपस्टिक। तो पहले मैं अपने साथ पूरा एक मेकअप पाउच लेके चलती थी, जिसमें मेरा पूरा मेकअप का सामान होता था बैग में, बट अब मैंने कुछ टाइम से बंद कर दिया है। अब मैं सिर्फ लिपस्टिक कैरी करती हूँ अपने साथ, और एक कॉम्पैक्ट, क्योंकि अभी शायद इसमें नहीं है, बट या, आई कैरी जस्ट दीज टू थिंग्स विद मी, अ लिपस्टिक एंड अ कॉम्पैक्ट। वाइट काजल, जो कि मैंने अभी अभी रिप्लेस करे ब्लैक से, एंड आई लव दिस वन। या, यू गोना फाइंड इट ऑलवेज इन माई बैग। एंड या, मेरे घर की कीज। सो या, दिस वॉज इट इन माई बैग। तो आई होप यू लाइक इट। अगर मुझे किसी और एक्ट्रेस से अपना बैग स्वैप करना होगा, आई थिंक मैं किसी एक्ट्रेस से या किसी से भी अपना बैग एक्सचेंज नहीं करूँगी, क्योंकि
ये जो इतना सामान है मेरे बैग में, इतना फालतू फालतू का, वो आई थिंक से मेरे ही बैग में हो सकता है, बट मेरे लिए सब बहुत स्पेशल और बहुत काम की चीज़ें हैं, तो मैं अपने ही बैग के साथ खुश हूँ. थ्री थिंग्स ऑन एन आइलैंड, आई थिंक माई फोन्स, वॉलेट वेरी इम्पोर्टेंट, एंड और क्या, आई थिंक व्हेन आई एम गोना कैरी दिस, लाइक आई टोल्ड यू, इट्स रियली स्पेशल बिकॉज मुझे अपना फर्स्ट साइनिंग अमाउंट मिला था इसमें, तो मैं इसे हमेशा अपने पास रखती हूँ एज अ मेमोरी, तो ये मैं लेके जाऊँगी. सो दिस वॉज इट विद व्हाट्स इन माई बैग विद आफ्टरनून राहत. आई होप यू ऑल लाइक इट. आई होप आपको मज़ा आया हो. थैंक यू फॉर वॉचिंग.